अच्छा, आज हम देख रहे हैं जावा के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर में एरे कवर किया था, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि हम एरे को यूजर इनपुट के थ्रू इनिशियलाइज कैसे करते हैं। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमने वैल्यूज उसको खुद से दी थी, ठीक है, और उन सारी वैल्यूज को हम लूप्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लूप्स के थ्रू, मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई लूप में एक ऐसा यूज करूं जिसके थ्रू मैं यूजर से इनपुट लेता जाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एक एरे बनाना है, ठीक है, और वो एरे फॉर एग्जाम्पल 5 उसके अंदर एजेस हैं, ठीक है, लेकिन वो यूजर इनपुट पे, मतलब रन टाइम पे एंटर करेगा, मतलब जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा रन टाइम पे, वो एरे के अंदर क्या करेगा, वैल्यूज को इंसर्ट करेगा लूप के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर जिस तरह 5 एजेस उसको चाहिए, ठीक है, तो वो 5 दफा क्या करेगा, एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करेगा, और लूप्स के ही थ्रू हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे कहाँ पे, अपने कंसोल पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रिंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, कंसोल विंडो, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्रिंट होता है ना, आउटपुट जहाँ पे हमें मिलता है उसको कहते हैं हम कंसोल विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज करूंगा, तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट जावा, जावा डॉट यूटिल, और फिर उसके बाद हम यूज करते हैं स्कैनर, सही है। मतलब ये हमारे पास लाइब्रेरी है, पैकेज है, जिसको हम इंक्लूड करवाते हैं अपने पैकेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सही है, स्कैनर, इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनपुट, ठीक है, फिर इज इक्वल टू न्यू, और फिर उसके बाद स्कैनर, और फिर उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, सही है। फिर इसके बाद हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ एरे को हमने डिक्लेयर करना है यहाँ पे, क्योंकि इनिशियलाइज हम किससे करवाएंगे, यूजर से करवाएंगे लूप्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक इंटीजर टाइप का हम एरे बना लेते हैं, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए आर आर, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे अपने इंटीजर टाइप के एरे को मैं साइज दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया जस्ट, ठीक है, एरे अपना जस्ट डिक्लेयर किया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फॉर लूप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, देखो हमारे पास की इनिशियलाइजेशन आ गई जैसे मैंने टैब प्रेस किया फॉर के बाद, और अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि हमारे पास लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एरे डॉट लेंथ का मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एरे डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी थी, वरना हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं, और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि हमारे पास एरे है ना ए आर आर, ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इनपुट करवा रहा हूँ स्कैनर क्लास के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है तो मैं यहाँ पे एस सी, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट, यहाँ पे उसका मेथड आ जाएगा, यहाँ पे मेथड उसका खुद भी आता है, डॉट नेक्स्ट इंट, अगर नहीं आ रहा तो हम खुद से लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे पास इंटेलिजेंस काम नहीं करता। अच्छा देखो, हमने एस सी नहीं, हमने क्या नाम रखा था, इनपुट, देख रहे हो, हमने ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा था, इनपुट, क्योंकि अक्सर मैं एस सी भी नाम रखता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एस सी लिखा था, इनपुट है, ठीक है, और उसका मेथड क्या है, नेक्स्ट इंट, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू सेव करवा रहा हूँ अपने एरे के अंदर। देखो अगर आप यहाँ पे अब आप डॉट प्रेस करो ना, तो आपको वो खुद से देगा, देख रहे हो, नेक्स्ट इंट ये वाला फंक्शन, यहाँ से करके एंटर करूं और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट के थ्रू यूजर से इनपुट लूंगा, वो सेव का होगा एरे के इंडेक्स नंबर पे। देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो उसके पास क्या वैल्यू होगी, 0, और यहाँ आई के पास क्या वैल्यू होगी, मतलब 0, तो मतलब जो भी मैं इनपुट करूंगा वो किस इंडेक्स पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर दोबारा आपके पास लूप चलेगा, आई के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आई के पास क्या होगा, 1 होगा। फिर दोबारा मैं इसका, ये जो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट है, इसके थ्रू मैं एक और एज टाइप करूंगा और वो 1 के पास चली जाएगी। इसी तरह 5 जितना मैंने यहाँ पे लेंथ रखा है ना, ठीक है, और यहाँ पे जितनी मैंने उसको कंडीशन दी है कि यहाँ तक हमारा लूप चलता रहेगा, तो 5 वो हमारे से इनपुट ले लेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं,
ठीक है, अगर अभी मैं रन करूं अपना प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ मुझसे ये 5 दफा इनपुट लेगा ना, ठीक है, तो मैं 5 दफा उसको एक मैसेज प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एस आउट के थ्रू, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसके थ्रू मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर, सही है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल एफ, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और अब ये जो एफ का वेरिएबल बनाया ना, इसको मैं कॉन्केटिनेट करवाता हूँ, सही है, और यहाँ पे मैं इसको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ से पहले प्री इंक्रीमेंट डिस्प्ले करवा दिया। या ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे आई लिखता तो मैसेज क्या प्रिंट होता, फर्स्ट टाइम एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 0, ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 वैल्यू दी किसको, एफ को, और उसे इंक्रीमेंट करवा लिया, तो क्या होगा इसके अंदर एक नंबर प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास मैसेज किस तरह से आएगा, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, फिर उसी के बाद एंटर द स्टूडेंट नंबर 2, इसी तरह मेरे पास 5 दफा मुझसे ये वैल्यू लेगा। तो मैं अगर यहाँ पे आके इसको दोबारा रन करूं, ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता तो मेरे पास 0 लिखा हुआ था पहले, लेकिन 0 तो हमें तो पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एरे के इंडेक्स में सेव हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर उसको नंबरिंग में यूजर से इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले स्टूडेंट को दे देता हूँ 11, दूसरे स्टूडेंट को दे देता हूँ मैं 22, तीसरे स्टूडेंट को दे देता हूँ 33, फिर 44, और इसी तरह यहाँ पे 55, देखा 5 दफा इसने लिए, सही है। देखो अभी इसने इनपुट लिया है बस, हमने अभी प्रिंट करवाने का काम नहीं किया, ठीक है, हमने क्या किया, अभी यूजर से इनपुट लिया है और उसको कहाँ स्टोर कर दिया, एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं एक और लूप यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको इस दफा हम जे का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे उसकी लेंथ क्या है, 5, ठीक है, आप यहाँ पे एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एस आउट करके मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, मैसेज मेरा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऑन लोकेशन नंबर, सही है, यहाँ पे देखो एज ऑफ स्टूडेंट ऑन लोकेशन नंबर, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे नंबर भी पता है, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने एफ का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ इंक्रीमेंट, ताकि उसकी पोजीशन भी पता है, सही है। और फिर यहाँ पे आके मैं एक और मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ इसको इज, ठीक है, आप पैटर्न देखना, जब मैं प्रिंट करूंगा तब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और इन दी एंड अब मैं यहाँ पे आके अपना एरे, मेरे एरे का क्या नाम है, ए डबल आर, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा आई, ठीक है, आई क्यों प्रिंट करवा रहा हूं मैं, ताकि जैसे ही हमारा 0 से लूप चलेगा तो 1 by 1 वो जितने भी इंडेक्स नंबर आएंगे एरे के अंदर वो सारी वैल्यूज उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके, अच्छा आई नहीं, अब जे, देख रहे हो यहाँ पे जो दूसरा लूप बनाया था मैंने उसका क्या नाम रखा था, जे, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है, अब ये आ गया, अब यहाँ पे मैं इसको नंबर दे देता हूँ इसी तरह, ठीक है, ये लास्ट है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो इसने मुझे क्या किया, यहाँ पे देखो, देख रहे हो एज ऑफ स्टूडेंट ऑन लोकेशन। अच्छा एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो, क्योंकि हमने उसी एफ को यूज कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसका नाम रख देता हूं मैं फॉर एग्जांपल जी, और उसको मैं कह देता हूं 0, सही है। और यहां पे आके मैं एफ की जगह
जी, ताकि ये जीरो से, मतलब वन से जब इंक्रीमेंट हो, जब जीरो में इंक्रीमेंट हो प्री इंक्रीमेंट, तो ये वन से स्टार्ट हो। सही है, तो यहां पे आके अब इसको हम एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं। सही है, अब देखो, अब आपके पास नंबरिंग भी बिल्कुल सही आ रही है। देख रहे हो, एज ऑफ स्टूडेंट ऑन लोकेशन नंबर वन इज 11, इसी तरह टू, इसी तरह थ्री, इसी तरह फोर। सही है, तो हमने क्या किया, यूजर से ही इनिशियलाइज करवाया और उसके बाद उसकी वैल्यूज को लूप के थ्रू ही हमने प्रिंट करवा दिया। क्योंकि देखो, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अभी जस्ट हमने पांच वैल्यूज ली है ना यूजर से, अगर हमें 500 इनपुट करवानी हो, ठीक है, तो हम पांचवी स्टेटमेंट खुद से थोड़ी लिखेंगे, हम ये मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम फॉर एग्जाम्पल ये काम इजिली कर सकते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया है, मतलब इंटीजर टाइप का एरे बना के हमने उसके अंदर वैल्यूज डिक्लेयर करवाई हैं। आप स्ट्रिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग करवाने में चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पे आपके पास ये जो एरे है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पोर्शन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। सही है, और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का काम अब हो गया। अब मुझे कौन सा काम करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग का काम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल इस कोड को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, इससे पहले, सही, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे इंटीजर की जगह मुझे क्या देना है, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। सही है, मैं इस एरे का नाम यहां पे रख लेता हूँ नेम्स, ठीक है, कि भाई मैं स्टूडेंट्स के फॉर एग्जाम्पल नेम लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं, अब इसको कहता हूं मैं एंटर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट। सही है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से, सही है, तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, एंटर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट वन, ठीक है, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे अब हमारा एरे का क्या नाम है, नेम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, नेक्स्ट इंट की जगह हम क्या लेंगे, हमारे पास एक मेथड यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। सही है, देखो ये चीज तो हमारी हो गई, मतलब इनपुट हमारा प्रॉपर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, यहां तक ये सारा सेट है, यहाँ पे ये जो हमारा एरे है, ठीक है, इसका नाम क्या था, नेम्स, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके पास वही सेम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि सही वर्क करता है नहीं करता। देखो, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, अच्छा देखो यहाँ पे नेम्स आ रहा है, सही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एस को रिमूव कर देते हैं, ताकि क्योंकि सिंगल है ना। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखो, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट वन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नाम आदिल, अब देखो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट टू अली, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम कैसर, सही है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं अबू बकर, सही है, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम अमीर, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू सारी दी, तो देखो प्रिंट होके आ गया सारी वैल्यूज, ठीक है। तो हम मतलब ये स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, इंटीजर हमने देखा, अभी स्ट्रिंग के लिए देखा, हम इसी तरह सेम इसी तरह, लेकिन यहाँ पे उसके मेथड चेंज होंगे, जो कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोट के लिए भी हम कर सकते हैं, डबल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक?